दोस्तों टॉप 5 इंडियन पेंटर्स के पिछले वीडियो में आप लोगों को यार 1848 से लेकर यार 1941 तक के टॉप 5 इंडियन पेंटरों के बारे में जानने को मिला था, और आज आप लोगों को इस वीडियो से जानने को मिलेगा यार 1941 के बाद के टॉप 5 इंडियन पेंटरों के बारे में। तो फिर देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। टॉप इंडियन पेंटरों की बात करें और एमएफ हुसैन जी का नाम ना आए ये हो ही नहीं सकता। एमएफ हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। एमएफ हुसैन एक ग्लोबल लेवल मॉडर्न आर्टिस्ट थे जिन्होंने पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों अवार्ड से ही सम्मानित हुए थे। इनकी पॉपुलर पेंटिंगों में से बैटर ऑफ गंगा एंड जमुना ज्यादा फेमस है। शायद हैदर रजा पहले ऐसे नॉन फ्रेंच आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पिग्स दे ला क्रिटिक अवार्ड जीते थे 1956 में। इनका वर्क प्लेस फ्रांसी था। इनके एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंगों में से बिंदु पेंटिंग ज्यादा पॉपुलर है। शायद जी पद्म भूषण पद्म विभूषण दोनों अवार्ड से ही सम्मानित हो चुके हैं। फ्रांसिस न्यूटन साउजा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे के फाउंडिंग मेंबर थे। इनकी पेंटिंग्स ज्यादा एक्सप्रेशनिस्ट और एरोटिक हैं। फ्रांसिस जी की बर्थ पेंटिंग पॉपुलर होने के साथ साथ बहुत एक्सपेंसिव भी है। ताइब मेहता जी एक बेहतरीन पेंटर स्कल्प्टर एंड फिल्म मेकर थे। ये भी एक मॉडर्न आर्टिस्ट थे। 2007 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। महिषासुरा इनकी फेमस पेंटिंगों में से एक है। सतीश गुजराल जी एक पेंटर स्कल्प्टर मुरालिस्ट राइटर हैं। इनकी हर पेंटिंगों में इनकी बेशुमार टैलेंट नजर आता है। 1999 में पद्म विभूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए और आर्ट रिलेटेड अदर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।